मुंबई में 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनका बांद्रा वाला अपार्टमेंट फ्लैट खाली पड़ा है। रिपोर्ट्स हैं कि मकान मालिक को इसके लिए किरायेदार की तलाश है, लेकिन इस कमरे का किराया सुन आपके होश उड़ सकते हैं। बता दें कि सुशांत के निधन के 6 महीने तक ये फ्लैट जांच एजेंसियों के निगरानी में था, जहां केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे, लेकिन अब ये किराए के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घर के मालिक को अब तक कोई किरायेदार नहीं मिला है। वहीं ऐसी खबरें भी हैं कि सुशांत सिंह के साथ हुए घटना के बाद काफी लोग इस फ्लैट में रहने से कतरा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि इस अपार्टमेंट का 1 महीने का किराया 4 लाख रुपए है। बता दें कि ये खूबसूरत सी व्यू अपार्टमेंट है। सुशांत सिंह राजपूत ने यह प्रॉपर्टी 2019 में रेंट पर ली थी और वो दिसंबर 2022 तक इस घर में रहने वाले थे। एक्लेडिंग डेली रिपोर्ट्स के माने तो पहले साल सुशांत को हर महीने 4,30,000 रुपए, दूसरे साल हर महीने 4,51,000 रुपए और तीसरे साल हर महीने 4,74,000 रुपए देने थे, लेकिन अब फ्लैट ऑनर इसे 4 लाख रुपए किराए पर ही देने को तैयार है। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि इस अपार्टमेंट के मालिक को यकीन है कि जल्द इसके लिए उन्हें किराएदार मिल जाएंगे, क्योंकि इस फ्लैट का लोकेशन और व्यूज काफी अच्छा है। खबरों की माने तो इस अपार्टमेंट में सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और घर के नौकर नीरज और केशव रहते थे। बता दें कि घटना के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले सुशांत सिंह का शव पंखे से लटका पाया था। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।